यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं और इस बार नकल रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए गए। नकल कराते पाए जाने पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। वहीं कक्ष निरीक्षकों यानी इनविजिलेटर्स पर भी एफआईआर होगी। लेकिन इसके साथ ही इतनी बड़ी व्यवस्था की मॉनिटरिंग करना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण काम है और हम लखनऊ के उसी कंट्रोल रूम में है जहां से ये पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। इस कंट्रोल रूम से प्रदेश के एक एक जिले में एक एक परीक्षा केंद्र पर नजर रखी जा रही है और इस व्यवस्था को देख रहे हैं। दोस्तों, यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं वाले छात्र छात्राओं को बहुत ही बड़ा झटका लग चुका है। दोस्तों, आप सभी छात्र छात्राओं को बता दें, इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में नकल जो है बिल्कुल ना के बराबर होगी, यानी नकल होगी ही नहीं, कोई भी संभावना नहीं रह जाएगी, क्योंकि आप सभी का जो शिक्षक गाइड करेंगे वह दोस्तों शिक्षक यानी बेसिक शिक्षा विभाग के जो शिक्षक होंगे यानी कि दोस्तों सहायक अध्यापक होंगे, प्रिंसिपल होंगे, ठीक है, वही दोस्तों आप सभी का जो परीक्षा करवाएंगे। यानी कि दोस्तों अब आप सभी के जो सरकारी टीचर रहेंगे तो वह सरकारी टीचर उनकी यदि वे नकल कराते हुए पकड़े जाएंगे तो उनकी नौकरी खतरे में पहुंच सकती है, जिसकी वजह से आप सभी का नौकरी यहाँ पे दोस्तों नकल करवाना बहुत ही असंभव है। और दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे यूपी बोर्ड की परीक्षा में लगाए जाएंगे 1000 बेसिक शिक्षक। दोस्तों यह सिर्फ बात की जा रही है वाराणसी जिले की, और दोस्तों इसी तरीके से वाराणसी आजमगढ़ जितने भी जिले हैं जौनपुर में हर जगह दोस्तों यहाँ पे बेसिक शिक्षक लगाए जाएंगे यानी सहायक अध्यापक लगाए जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी को क्या करना है, अपनी तैयारी अच्छे से करनी है और कोई भी नकल की चपेट में नहीं आना है कि मुझे नकल करना है या कोई कह रहा है कि मुझे 10,000 दे दो, 5,000 दे दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप सभी अपना बस एक ही काम करना है कि अपनी तैयारी में जुट जाना है दोस्तों। और यहाँ पर आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए कि यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर के जनपद में तैयारियाँ तेज हो चुकी हैं। विभाग को इस परीक्षा को साकुशल संपन्न कराने के लिए लगभग 6,000 शिक्षकों की जरूरत है। इसके लिए वह बेसिक शिक्षा विभाग से लगभग 1,000 शिक्षकों की ड्यूटी लगाने की तैयारी में है। यूपी बोर्ड परीक्षा में इस बार 77,711 परीक्षार्थी शामिल होंगे। दोस्तों यहाँ सिर्फ आजमगढ़ जिले की बात की जा रही है, और दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे इसके जो देख पाएंगे इंटरमीडिएट में 84,190 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। इस परीक्षा को साकुशल संपन्न कराने के लिए कुल लगभग 6,000 शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, जिसे देखते हुए विभाग की ओर से 1,000 बेसिक शिक्षा विभाग से तैनाती कराने की योजना बनाई गई है। इसके लिए उसके द्वारा संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की चिन्हित भी कर लिया गया है, लेकिन दोस्तों अभी तक इसकी सूची फाइल जारी नहीं हुई है। दोस्तों अब जैसे देख पाएंगे जब सरकारी टीचर लगाए जाएंगे तो वह नकल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इतना तो आप सभी को कन्फर्म हो ही गया होगा कि जो सरकारी टीचर होंगे वे अपनी नौकरी खतरे में नहीं देखना चाहेंगे। इसलिए आप सभी को बस एक ही काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और यूपी बोर्ड परीक्षा संबंधित सभी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अपनी आप तैयारी अपने मन से अच्छे से तैयारी करिए और कहीं भी नकल की करने की आवश्यकता ही ना पड़े, ठीक है। जो कमज़ोर छात्र छात्रा हैं बस वे पास होने तक का ही मेहनत करेंगे, तब भी आराम से पास हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।